रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और हरियाणा कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल गरीबों और पिछड़े वर्गों समेत सभी वर्गों की हितैषी 7 गारंटियों को लागू किया जाएगा। प्रदेश से बदमाशी और नशा दोनों खत्म होंगे। 2 लाख रिक्त पदों पर युवाओं को पक्का रोजगार दिया जाएगा, ये कहना है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। वे जींद स्थित टाउन हॉल के सामने उचित जगह पर आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने मुख्यमंत्री काल में हुए विकास कार्यों को गिनवाया। उन्होंने कांग्रेस की सरकार आने पर इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का वायदा भी किया ताकि युवाओं को रोजगार मिले। जींद से हमारे संवाददाता सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। सत्ताल से सरकार है, जींद का कोई विकास हो कोई सड़क तो नजे की आजाद के लिए सारे कामों में माहिर हूं। सड़क तो ये तो मैं सुनता सड़क में गड्ढे को बाहर करते उसे गड्ढे में सड़क तो नहीं पड़ा है, ऐसी परिस्थिति हुई हुई है। हमने देखो भाई रेलवे लाइन जींद में, यूनिवर्सिटी वो बाहर बाईपास मगर है, स्टेडियम राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया है हमने जींद में यहां, और लड़की हुआ कॉलेज, बड़ा अस्पताल, कोई भी आप कहो हमारे समय में भी इनने एक भी साधन भेजा दिया जींद का विकास। और यहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट बना रहे थे वो भी नहीं किए, यहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट बनती तो यहाँ प्रगति होगी, वो भी कैंसिल कर दिया। जींद से बांधने के लिए हम बना रहे थे तो ये आप तो नहीं करते। आज सोचें एक बात, आज समय आ गया इस सरकार को बदलने। मैं तो कहा ये जरूर पूछ सकते हैं आपसे कि भाई इसने तो पट्टा पटा दिया बीजेपी जे तो हरियाणा का पट्टा पटा दिया, पर कांग्रेस की सरकार आ गई तो वो क्या करेगी? कोई हथियार करेंगे मान तो 6,000 को बुजुर्गों की कट करेगा मुझे मान बना देंगे बता देंगे जो आज हालत हुई हुई है अपराध की। 2005 में भी ऐसी थी, जेल से सरकार चलती थी, मौका मिला कांग्रेस सरकार बनी, मेरे को सेवा का मौका मिला और मैंने सबसे कह दिया था बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। छोड़ गए थे शांति से इतना विकास किया प्रति व्यक्ति आए जो हरियाणा सबसे ऊपर गया। तो आज फिर कह के जा रहा हूं मैं कांग्रेस सरकार बनेगी दो चीज खोदू हरियाणा की, दो चीज खोदे जाएंगे क्या बदमाश और नशा नशेड़ी। हमने खिलाड़ी बना लिए नशेड़ी बना लिए। आज मेरे को बड़े शर्म की बात आती है पंजाब से ज्यादा ड्रग अब्यूज की मौत हरियाणा में होती है हमारी नौजवान में। और भाई हमारे युवाओं हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आपके इस भाई को आपके इस बेटे को कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाकर भेजा है। महावीर गुप्ता जिंदाबाद। ये टिकट महावीर गुप्ता की नहीं मेरे जींद हल्के के सभी साथियों की है। साथियों जिन नेताओं ने मुझे प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में भेजा है आप उनके आने तक उनके विचार सुने बगैर मत जाएं, उनको ये दिखा दें कि आपने ठीक प्रत्याशी चुना है और हम सब आपके मान सम्मान के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं, आपके विचार सुनने के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं। सब धन्यवाद करता हूँ और मैं निवेदन करूंगा मेरे छोटे भाई महावीर कंप्यूटर से, क्योंकि हमारी हुड्डा साहब के साथी हैं,
आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करें, मेरा गला बैठा हुआ है, आज के कार्यक्रम को संभालें। आपका धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा तमाम नेतागण से, बहुत बढ़िया दिल्ली तई हिस्सा मिली है प्रोग्राम के मनोरंजन भी हो जाएगा आपके बीच, ये स्टेज गंदा कीजिए, आपसे लोगों का मंच खाली करें कृपया। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।